पार्ट टू की शुरुआत में दोनों ने गुस्से में एक दूसरे का कॉलर पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और उन दोनों को अलग करती है। ये लेडी ईचैन की मॉम थी। वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो ईचैन उनसे कहता है, यह जाना के अंदर घुसा डोंगसिक को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। डोंगसिक का नाम सुनने के बाद सन्योल कहता है, तुम उसका नाम कैसे जानते हो? ईचैन कहता है, आप क्यों पूछ रहे हैं? सन्योल कहता है, क्योंकि वो मेरे ग्रैंडपा का डॉग है। ये सुनने के बाद ईचैन और उसकी मॉम दोनों ही शॉक रह जाते हैं। फिर ईचैन की मॉम उससे कहती है, तुम तो वही लड़के हो ना जो एक डॉग को ढूंढ रहे थे। तो फोटो में जो डॉग था वो डोंगसिक था, लेकिन उसकी बॉडी साइज तो बहुत डिफरेंट लग रही थी। क्या तुम चीप बैग के ग्रैंडसन हो? सन्योल कहता है हाँ। ईचैन कहता है, सच में? सन्योल कहता है हाँ। इसके बाद ईचैन की मॉम कहती है, ये डॉग इतना गीला क्यों है? तो ईचैन कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत गंदा था, इसलिए मैं इसे नहलाने जा रहा था, पर अचानक ये अंदर आ गए। सन्योल फिर डोंगसिक के बगल रखे उस शैम्पू के बॉटल को देखता है जो उसने पहले नहीं देखा था। फिर उसकी मॉम पूछती है, पर ये क्यों भीगा हुआ है? क्या तुम इसे भी नहलाने जा रहे थे? तो ईचैन कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही है, ऐसा नहीं है। इसके बाद सन्योल डोंगसिक को घर ले जाने लगता है। तब ईचैन की मॉम उसे रोक लेती है और उसे अंदर ले जाती है। सन्योल उनसे कहता है, मैं ठीक हूँ। तो ईचैन की मॉम कहती है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुम्हारे पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, तुम इस तरह से घर नहीं जा सकते। सन्योल कहता है, लेकिन ये जल्दी ही सूख जाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है, ये इतनी जल्दी नहीं सूखने वाले हैं, और ईचैन नॉर्मली ऐसा नहीं है, वो डोंगसिक को अपने छोटे भाई की तरह मानता है, इसलिए उसने ऐसा किया, उसे माफ कर दो। फिर ईचैन उससे माफी मांगता है। सन्योल कहता है, कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें गलत समझा था। ईचैन कहता है, पर मैंने आपके ऊपर पानी फेंक दिया, इसके लिए मुझे सच में माफ कर दीजिए। सन्योल कहता है, कोई बात नहीं। इसके बाद ईचैन की मॉम ईचैन से सन्योल को उसके कुछ कपड़े देने को कहती है। सन्योल फिर कपड़े चेंज करके बाहर आता है तो उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम तो दूर से भी कितने शाइन कर रहे हो, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सॉल के रहने वाले हो। फिर उसके गीले कपड़े उससे ले लेती है और कहती है, मैं इसे तुम्हारे लिए वॉश कर देती हूँ। सन्योल कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ईचैन की मॉम कहती है, कोई बात नहीं। फिर वो ईचैन से कहती है, इसे देखो, इसे सिर्फ फार्मिंग करना आता है जिसकी वजह से इसकी स्किन इतनी ज्यादा डार्क हो गई है। ये सुनकर ईचैन कहता है, ये तो मुझे आपसे विरासत में मिला है। तो उसकी मॉम कहती है, मैं जब यंग थी तो बहुत ज्यादा व्हाइट जेट की तरह व्हाइट थी। ईचैन कहता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी सन्योल उनसे कहता है, अब मैं चलता हूँ। तो उसकी मॉम उससे कहती है, मैं अभी लंच बनाने वाली हूँ, तुम लंच खा कर जाना। तो सन्योल उन्हें मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे कहीं और जाना है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है, तुम्हें कहाँ जाना है? सन्योल कहता है, मुझे कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाना है। इसके बाद ईचैन को उसे मार्केट ले जाने को कहती है। सन्योल कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और उसे कार में बैठने को कहती है। सन्योल कार में बैठ जाता है। इसके बाद ईचैन की मॉम उसे एक बैग देती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद ईचैन उसे कार की सीट बेल्ट लगाने को कहता है, लेकिन वो सीट बेल्ट नहीं लगा पा रहा था। तो ईचैन उससे कहता है, सॉरी, ये कार थोड़ी पुरानी है, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? सन्योल कहता है, नहीं, मैं खुद कर लूंगा। इसके बाद वो दोनों मार्केट जा रहे थे। तो सन्योल ईचैन से कहता है, तुम्हें मुझे मार्केट ले जाने की जरूरत नहीं थी। ईचैन कहता है, कोई बात नहीं, जहां मैं जा रहा हूं वो उसके रास्ते में ही पड़ता है, और मैंने आपके साथ गलत किया है तो मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूं। सन्योल कहता है, ठीक है, पर मैंने भी तुम्हें गलत समझ लिया था, इसलिए अभी जो कुछ भी हुआ उसे लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर ईचैन उससे पूछता है, वैसे आप कितने साल के हैं? सन्योल कहता है, मैं 27 साल का हूं। तुम मेरे साथ कम्फर्टेबली बात कर सकती हो, ठीक है ब्रो? सन्योल कहता है, तुम मुझे ब्रो कह के क्यों बुला रहे हो? ईचैन कहता है, क्योंकि मैं 20 साल का हूँ तो मैं आपको ब्रो कह सकता हूँ। ये सुनकर सन्योल को शॉक लगता है और वो उस मोमेंट को याद करता है जब उसने उसे अंकल कहा था। ईचैन कहता है, क्या आपको मेरा ब्रो कहना पसंद नहीं आया? सन्योल कहता है, ऐसा नहीं है। ईचैन कहता है, तो क्या मैं आपको ब्रो कह के बुला सकता हूँ? सन्योल कहता है, हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों मार्केट पहुँच जाते हैं और ईचैन कहता है, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और आपकी कार कीचड़ में फंस गई थी, और मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी कि आप घर तक पहुंच पाएंगे या नहीं, इसलिए मैं आपकी कार की तरफ ही देख रहा था। सन्योल उस मोमेंट को याद करता है जब ईचैन उस रात उसकी कार की तरफ देख रहा था और जिसने नाइफ वेपन पकड़ा हुआ था वो पर्सन भी ईचैन ही था। सन्योल कहता है, तो तुम इस वजह से मेरी कार की तरफ इतना सीरियसली होकर देख रहे थे? ईचैन कहता है, हाँ, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। सन्योल कहता है, थैंक यू, मैं सेफली घर पहुंच गया था। फिर ईचैन उससे कहता है, मैंने सुना था कि चीफ के ग्रैंडसन लॉकी स्टडी कर रहे हैं और वो उस पे बहुत प्राउड करते हैं, तो क्या आप वही हो? सन्योल कहता है, हाँ। ईचैन कहता है, आप तो सच में अमेजिंग हो। सन्योल कहता है, ऐसा नहीं है। ईचैन कहता है, आप बहुत स्मार्ट होगे, इसलिए आपने लॉके सेक्शन के बारे में कहा था। आप सच में बहुत कूल हो। मैं कॉलेज नहीं गया जिसकी वजह से मेरी मॉम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन सच कहूँ तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मुझे फार्मिंग करना बहुत पसंद है और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। इसके बाद स्माइल करता है और कहता है, सॉरी, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ।
सन्योल उससे कहता है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करते हो और ये बहुत कूल है। ये सुनकर ईचैन को शॉक लगता है। सन्योल कहता है, तुम्हें क्या हुआ? ईचैन कहता है, कुछ नहीं। इसके बाद दोनों मार्केट के सामने खड़े होते हैं, पर सन्योल को भरोसा नहीं हो रहा था कि यही सुपर मार्केट है, क्योंकि वो दिखने में बहुत छोटा था। ईचैन उससे कहता है, आप इसे कम मत समझिए, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो सेल नहीं होती है, यहाँ आपको सारा सामान मिल जाएगा। तभी मार्केट के बाहर एक ओल्ड लेडी बैठी थी, वो ईचैन को देखकर कहती है, तुम बहुत दिनों बाद यहाँ आए हो, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़े राइस बेवरेज बनाए हैं, तुम इन्हें अपने साथ ले जाना। ईचैन कहता है, ये बनाना आपके लिए थकावट भरा होगा, इसे आपको ही रखना चाहिए। तो वो ओल्ड लेडी कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तुमने और विलेज हेड ने बहुत मेहनत की थी, अगर उस दिन तुम लोगों ने मेरी छत की रिपेयरिंग नहीं की होती तो शायद मेरे घर पर बाढ़ आ जाती। ईचैन कहता है, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसके हाथ में एक बास्केट था। ईचैन वो बास्केट उसके हाथ से ले लेता है और कहता है, मैं इसे रख देता हूँ, मैं एक स्ट्रांग मैन हूँ। वो लेडी उसे इसके लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी सन्योल से कहती है, तुम कौन हो? सन्योल ने कुछ कहने वाला था, तभी वहाँ पे ईचैन आता है और कहता है, ये मिस्टर चीफ के ग्रैंडसन है जो सियोल से आए हैं। सन्योल उन लेडी को हेलो कहता है, तो उनमें से एक लेडी कहती है, ये बहुत हैंडसम है। ये सुनकर सन्योल को शाय फील होता है। इसके बाद ईचैन कहता है, ये वहाँ पर लॉ की स्टडी करते हैं, ये वकील या फिर जज बन सकते हैं। तो वो लेडी उससे कहती है, ये तो बहुत अमेजिंग है। वो लेडी फिर ईचैन से कहती है, जाओ जाकर आइसक्रीम ले लो। सन्योल मना करता है लेकिन ईचैन थैंक यू कहता है और आइसक्रीम लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लेडी सन्योल से कहती है, क्या तुम कॉफी पीना चाहोगे? सन्योल मना कर देता है। तो वो लेडी उससे कहती है, पी लो, ये बहुत अच्छी है। सन्योल कहता है, ठीक है। इसके बाद सभी एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। सन्योल भी उनके साथ ही बैठा था लेकिन वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में सन्योल शॉपिंग कर रहा था तो ईचैन उससे कहता है, ब्रो यहाँ के सभी लोग काइंड और अच्छे है ना? सन्योल कहता है, हाँ। फिर अचानक मिरर पर देखता है तो देखता है उसमें स्ट्रांग फार्मर लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसे शॉक लगता है और वो थोड़ा एम्बैरस फील करता है। तो ईचैन उससे कहता है, क्या आप अनकंफर्टेबल हो? आप मुझसे रिलैक्स होकर बात कर सकते हो, आप मुझसे 7 साल बड़े हो। फिर नेक्स्ट सीन में शॉपिंग करने के बाद दोनों वापस जाते हैं। सन्योल उससे कहता है, थैंक यू, मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा, और वो अपने घर जा रहा था। तभी ईचैन उसे रोक लेता है और राइस बेवरेज की बॉटल देते हुए कहता है, आप इसे रख सकते हैं, मेरे पास और है। सन्योल कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। ईचैन कहता है, ये टेस्टी है, आप इसे टेस्ट करके देखना, ग्रैंडमा के बनाए हुए राइस बेवरेज बहुत टेस्टी होते हैं। सन्योल उसे मना करता है पर ईचैन उसे वो बॉटल पकड़ा देता है। विलेज के लोग ऐसे ही होते हैं, हम यहाँ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आप ये सोचकर परेशान मत होना कि इसके बदले आपको कुछ देना होगा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सन्योल भी वहाँ से चला जाता है, फिर अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो बैग से सारे सामान निकालता है, फिर राइस बेवरेज की बॉटल को फ्रिज में रखने के बाद कहता है, यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही काइंड है। फिर अगली सुबह जब ईचैन सोकर उठता है तो फ्रेश होने के बाद अपना सारा काम करता है। सारा काम खत्म करने के बाद वो विलेज हेड से मिलने जाता है, जिसका नाम मार्क था। मार्क वही दूसरा पर्सन है जिसके हाथ में हैमर था। वो मार्क को हेलो कहता है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मार्क उससे पूछता है, तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? ईचैन उससे कहता है, मैंने बहुत लंबे समय बाद एक न्यू फ्रेंड बनाया है। मार्क कहता है, फ्रेंड तो मैं भी तुम्हारा हूँ ना? ईचैन कहता है, आप मुझसे 24 साल बड़े हो, हम दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते। मार्क कहता है, मुझे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मुझे देखकर ये नहीं कह सकता कि मैं 44 साल का हूँ। ईचैन उससे कहता है, बिल्कुल आप बहुत यंग दिखते हो। फिर मार्क उससे कहता है, क्या तुम्हारा न्यू फ्रेंड वही है जो दिखने में टॉल है और इधर उधर भाग रहा था? मार्क ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो पर्सन सन्योल पर नजर रख रहा था वो मार्क ही था। ईचैन कहता है, तो आपने भी उसे देखा है, वो कितना हैंडसम और स्मार्ट है ना, और उसकी स्किन भी कितनी फेयर है। ये सुनकर मार्क उससे कहता है, तुम्हें किसी भी पर्सन को उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। ईचैन कहता है, मैं उसे उसके लुक से जज नहीं कर रहा हूँ। फिर उस मोमेंट को याद करता है जब सन्योल ने उससे कहा था कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकते हो और ये बहुत कूल है। इसके बाद वो मार्क से कहता है, इसका कोई रीजन है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। मार्क कहता है, तो तुम मुझसे अब सीक्रेट रखोगे? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ईचैन स्माइल करता है, तभी उसे चीफ का कॉल आता है। इसके बाद वो सन्योल के घर जाता है तो देखते हैं सन्योल सोफे पर सोया हुआ था। वो उसे विंडो से देखने लगता है, तभी अचानक सन्योल की आंख खुल जाती है और वो ईचैन को अचानक देखकर घबरा जाता है। वो जाकर डोर ओपन करने वाला था लेकिन तभी ईचैन अंदर आ जाता है और उससे कहता है, आप अब तक सो रहे हो, चलो जल्दी उठो। ये देखकर सन्योल को शॉक लगता है और वो कहता है, तुम अंदर कैसे आ गए, क्या तुम ट्रांसपेरेंट हो सकते हो? ईचैन कहता है, मुझे चीफ ने यहाँ की स्पेयर की दी थी ताकि मैं फिशेस को खाना खिला सकूं जब वो यहाँ ना हो। अब आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। सन्योल कहता है, हमें कहाँ जाना है? ईचैन कहता है, फार्मिंग वॉलंटियर के लिए।
लिए। सिनल फिर इस मोमेंट को याद करता है जब उसके ग्रैंडपा ने उसे फार्मिंग वॉलंटियर और ईचैन के बारे में बताया था। सिनल उसे कहता है, मुझे पहले ग्रैंडपा से बात करनी होगी। फिर वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है और उनसे कहता है, ग्रैंडपा मुझे फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम कर लोगे, ईचैन तुम्हारी हेल्प करेगा। जब वो अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा था तो ईचैन टेबल पर एक पिल्स की बोतल देखता है जिस पर लिखा था स्लीपिंग पिल्स। इतना कहने के बाद उसके ग्रैंडपा कॉल रख देते हैं। फिर ईचैन उससे कहता है, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ, आप रेडी होकर बाहर आ जाना। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों फार्मिंग के लिए जा रहे थे तो ईचैन कहता है, फार्मिंग उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो, मैं आपको सब सिखा दूंगा। तभी सिनोल उससे कहता है, मिस्टर ईचैन, क्या तुम चुपचाप से ड्राइविंग नहीं कर सकते? ये सुनकर ईचैन को बुरा लगता है तो वो उससे कहता है, आप बहुत मीन हो। सिनोल कहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आपको ब्रो कहता हूँ लेकिन फिर भी आप मुझे मिस्टर ईचैन कहते हैं, आप मुझे ईचैन भी तो कह सकते हैं ना। सिनोल उससे कहता है, सामने देखो, लेकिन ईचैन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। तभी सिनोल देखता है कि कार के सामने अचानक एक बकरी आ जाती है और वो ईचैन को कार रोकने को कहता है। ईचैन तुरंत कार रोक देता है जिससे उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो सिनोल उससे कहता है, तुम ठीक तो हो? ईचैन इसका कोई जवाब नहीं देता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, मैं बस बोले जा रहा था और आपको परेशान कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिनोल कहता है, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ईचैन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उससे कहता है, मुझे अच्छे से ड्राइव करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, आप ठीक तो है ना? तभी सिनोल उससे कहता है, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम ठीक हो या नहीं। फिर ईचैन उसकी तरफ देखते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।